तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा सत्संग कार्यक्रम के दूसरे दिन 20 जुलाई को गुलाबी वस्त्र पहने भक्तों ने जन सैलाब को सत्संग सुनाते हुए वक्त के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुर्गहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत महाराज ने अंत समय में अपना आत्म कल्याण न कर पाने वाले जीव की गति का वर्णन करते हुए बताया कि जब अंतिम समय आता है और कर्मों की सजा मिलने लगती है तो यमराज के दूत जो बड़े काले कुरूपी होते हैं आते हैं तो आवाज लगा देते हैं कि चलो समय पूरा हो गया है, मकान खाली करो। जो लोग मनुष्य शरीर में आए हैं सबको खाली करना पड़ा। जो महापुरुष कहलाए, आज जिनकी पूजा होती है, जिनके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, बड़ा नाम है, वह भी मनुष्य शरीर में थे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो। महाराज ने बताया, भगवान राम ने धर्म की स्थापना की, दुराचारियों का संहार किया, इसलिए कहते हैं राम भगवान या गुप्त हुए थे, चारों भाई गुप्त हुए, यह गुप्तार घाट है। मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करता, हमारे तो राम कृष्ण भगवान पूज्य है और उनकी जो पूजा करते हैं हम उनको भी सम्मान देते हैं, मानते हैं, हम सबको मानते हैं। गोस्वामी महाराज ने राम की व्याख्या की, राम के बारे में बताया, कहा सब में वो राम राम रहे, कौन से राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग में न्यारा, जो सब में रम रहे हैं, जो राम है रमते रहे और कृष्ण भी रमते रहे और जितने भी महापुरुष आए सब में जो रमते रहे वही है राम। जब सब में राम है, हम में राम, तुम में राम, कण कण में राम, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम तो आलोचना किसी की करते ही नहीं। अगर हम सही कहें तो यह कोई नहीं समझना चाहिए कि हम आलोचना कर रहे हैं, यह तो समझ लो जानकारी करा रहे हैं। इसी गुरु पूर्णिमा में गुरु के सत्संग और दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्तों का जनसैलाब जयपुर आश्रम में पहुंच रहा है, जिनके लिए सेवादारों द्वारा 38 से भी ज्यादा भोजन भंडारों की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके रहने ठहरने के लिए समुचित डेरे और शौचालय को तैयार किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा पानी आदि सभी व्यवस्था संबंधी विभागों के द्वारा सेवादार आने वाले भक्तों को सेवाएं दे रहे हैं। आदमी की अपेक्षा पुरुष की अपेक्षा ज्यादा गर्मी होती है औरतों में, तो वो जो गर्मी है बाद में क्या रहना पड़ता है, इतना महीना 9 महीने का जेल था, हम सब लोग काट करके आए, हम लोग भी काट करके आए, हम आपके पेट में रहे 9 महीने जेल खाने में, तो जेल खाने में सबको बंद होना पड़ता है जिनको मनुष्य शरीर मिलता है। और जब तकलीफ होती थी तब प्रार्थना करता था गुरु कि अब मैं दादा को कवे यही भक्त हो, अब प्रभु कृपा करो यही बात। और स्वामी जी महाराज ने कहा अब प्रभु कृपा करो यही बात की, और सब अत्यधिक भजन सब नहीं है, सब कुछ तय करके भजन करूँगा, एक बार दया कर दो, ठीक ठाक हमको बना दो, हमारा हाथ पैर हाथ काम ठीक ठाक बन जाए, फिर बाहर निकल करके तो हम रास्ता पूछेंगे, समझ गुरु की तलाश करेंगे और रास्ते पर चल करके गुरु हमारा।